हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाभी। आप देख रहे हैं ब्रेक टाइम टेक। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसी भी वीडियो फाइल को हम किसे कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या है, उसका जो फाइल साइज है उसको रिड्यूस करना है। मतलब कोई सा भी वीडियो का अगर फाइल है 10 GB, उसको हम कंप्रेस करके कैसे उसको 2 GB या 3 GB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि आप अगर किसी को सेंड करते हैं फाइल, तो 10 GB तो आपका डाटा नहीं है सेंड करने के लिए। आप अगर उसका कुछ कम साइज होगा तो उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। और कभी कभी आप देखिए ईमेल में मैक्सिमम फाइल साइज जो आप सेंड कर सकते हैं वो है 100 MB। तो अगर आपका वीडियो 1 GB का है तो आप कैसे सेंड करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप 1 GB का फाइल को भी 90 MB या 100 MB के अंदर भी रख सकते हैं। तो मैं पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कैसे इसको करना है एंड आपको करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि करूंगा नहीं तो आपको कैसे विश्वास आ गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड आज का लाइक का हम टारगेट रखते हैं 100 likes। आप पता है आप कर लोगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो जो ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का नाम है हैंड ब्रेक, इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम में जाना पड़ेगा और वहां पर सर्च कीजिए हैंड ब्रेक। उसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वो है handbrake.fr। तो इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हैंड ब्रेक 1.3.3, ये जो है और विंडोज 7, 8 and 10, 64 bit ओनली। तो यहाँ पर जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो सीधा मैं चलता हूँ अपने जो ऐप है उसको ओपन करते हैं। देखिए ये हो गया वो ऐप हैंड ब्रेक, इसको सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इस फाइल को कंप्रेस करना चाहता हूँ। इसका जो फाइल साइज है आप देख सकते हैं 3.54 GB, बहुत ही बड़ा साइज है। तो मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, तो उसको हम करेंगे कंप्रेस। पहले मैं इसका जो क्वालिटी या क्लैरिटी दिखा देता हूँ, वीडियो की क्लैरिटी HD क्लैरिटी में है। ये है, ये हमारा फेयरवेल का एक वीडियो था, तो इसको हम आज कंप्रेस करेंगे। और कंप्रेस करने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि इसका क्लैरिटी कैसा है। ये याद रखिए 3.54 GB का है। तो हम हैंड ब्रेक को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको ड्रैग करना है और ओपन भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो फाइल है इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगा स्क्रीन टाइटल, ये अभी अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी तरह से आपको करना है। इधर उधर करने से वीडियो का क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको MP4, MKV एंड WM आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करिए। मुझे MP4 चाहिए। और उसके बाद अगर आप YouTube में वीडियो चलाना चाहते हैं तो ये वेब ऑप्टिमाइज को भी ओपन क्लिक कर दीजिए और अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, और जैसे ही है वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम वेब ऑप्टिमाइज को कर लेते हैं। उसके बाद समरी का काम खत्म हो गया। उसके बाद डायमेंशन में जैसे ही है वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद फिल्टर को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद वीडियो में यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखिए क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब ये जो पॉइंटर है ये आपको सटीक जगह पे रखना है। जैसे कि बोल रहा है 18:20 जो है वो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब ST, एंड 20 से 23 जो है वो है हाई डेफिनेशन, मतलब आपको 23 ही रखना है, 23 या 22.5 रखेंगे तो वीडियो का क्लैरिटी और क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑडियो को भी कुछ नहीं करना है, सबटाइटल को छोड़ देना है, चैप्टर को भी छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए ये इतना खत्म हो गया। उसके बाद इसको आप चाहें तो प्रीसेट में भी रख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट आप जब भी ये काम करेंगे तो वो प्रीसेट अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वही जो सेटिंग किए वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है ये जो यहाँ पर देखिए सेव, आप यहाँ पर फोल्डर को चूज करना है। हम यहाँ पर डेस्कटॉप को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट एनकोड करना है। तो अभी एनकोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर एनकोडिंग होना थोड़ा लेट होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो है अभी 0.01% हुआ है, तो यहाँ पर टाइम भी देखा देगा थोड़ी देर बाद, टाइम रिमेनिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 GB का जो फाइल होता है उसको करीबन हाफ एन आवर लग जाता है, तो ये 3 GB है तो ये करीबन 1 hour से डेढ़ आवर तक लग जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि टाइम लॉस किसको पसंद है, तो उस जब ख़त्म होगा मैं आपको दिखा दूँगा। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया था, ये जो हैंड ब्रेक है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके लिए आपको कोई सा भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा एंड ये फ्रीली आपको गूगल से मिल जाएगा। एंड दूसरा बात ये है कि ये सबसे बेस्ट नहीं है, मतलब इससे भी बेहतर आपको कंप्रेशन करने के लिए मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, लेकिन वो पेड सॉफ्टवेयर है। तो फ्री सॉफ्टवेयर में से ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे अच्छा है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसे यूज़ करता हूँ इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आजकल जो मोबाइल फोन आ रहे हैं जैसे कि 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल, उससे क्या होता है कि आपका वीडियो साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है ये आपको मदद करेगा। मतलब ये अभी सक्सेसफुली हो गया है, अभी इसको हम क्लोज करते हैं और देखते हैं हुआ है। तो अभी कंपेयर करके देखते हैं जो ओरिजिनल फाइल था एंड अभी जो कंप्रेशन हुआ है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। साइज के अनुसार तो डिफरेंस आएगा एंड क्वालिटी के अनुसार क्या डिफरेंस है मैं दिखा रहा हूँ। तो ये था हमारा जो पहले वाला जो ओरिजिनल फाइल है, ये देखिए 3.54 GB एंड ये जो हमारा है अभी कंप्रेस हुआ ये है 703, मतलब 700 MB में हो गया है। कहाँ अभी जो आप दो वीडियो देख रहे हैं, एक है ओरिजिनल वीडियो और एक है कंप्रेस्ड वीडियो, दोनों में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो डिफरेंस है उसका साइज है। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कभी, तब तक देखते ही रहे यूट्यूब एंड मेरा चैनल ब्रेक टाइम टेक। गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।